रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको इस वीडियो में जो है पैंट बनाने का तरीका बताऊंगा। इस पैंट को, ये एक क्वार्टर पैंट है जो कि टोयोटा क्रोला 2010 के लिए एक क्वार्टर बाहर की तरफ से जो है काफ़ी है, क्योंकि हमने छत और डिगिंग नहीं करनी। तो ये एक क्वार्टर कलर है, 202 कलर है ये, और इसे हम बनाएंगे। इसके लिए हमें इस तरह की एक वो चाहिए, क्योंकि हम इसमें आधा रंग बनाएंगे, और आधा रंग जो है इसके लिए हमें खाली बोतल चाहिए। खाली बोतल के साथ जो है ना हम आधा रंग बनाएंगे, और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बनाया जाता है। तो ये रंग का जो क्वार्टर है, इसे खोलेंगे। ये जनाब आप देख सकते हैं ब्लैक कलर 202, ठीक है। इसे जो है इस तरीके से मिक्स करेंगे, और इसे इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम पूरा रंग चालू नहीं करेंगे। इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम आधा रंग जो है, आधे से ज़्यादा, मतलब जितना हमें ज़रूरत है, हम समझते हैं जितना, उतना हम इसमें डाल देंगे। ठीक हो गया, इसमें डाल दिया। इस क्वार्टर में अब थोड़ा सा रंग जो है वो बच गया है, तो बस ये रंग फ़िलहाल पे शुरू के जो दो कोट हैं उनके लिए काफ़ी है। तो इस रंग को हम वापस कर लेंगे बंद। इसको बंद करने के बाद इसको रख लेंगे साइड पर, और इसके अंदर हम डाल देंगे हार्डनर। कितना डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हार्डनर जो है ये होता है रंग की मजबूती के लिए और रंग को खुश्क करने के लिए, जबकि जो लेकर है वो शाइन के लिए होता है। ये हार्डनर की कॉपी है, और ये हम अभी इसमें अंदाज़े के साथ डालेंगे। तकरीबन ये हार्डनर इसके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थिनर। थिनर जो है, थिनर किस काम आता है ये भी बता देता हूँ। थिनर जो है वो रंग को पतला करने के लिए, जितना आपको रंग पतला करना हो उस हिसाब से रंग को पतला करने के लिए। जनाब इसमें जो पेंट हमने डाला, उस पेंट के हिसाब से हमने इसमें तकरीबन जो है 25% हार्डनर डाला, ठीक है, और तकरीबन जो है 20 से 25% जो है हमने इसमें थिनर डाला, और इसे करेंगे इस तरीके से मिक्स। इस तरीके से मिक्स करने के बाद एक कोट लगाएंगे, और एक कोट लगाने के बाद इसमें हम जो दूसरा कोट है वो भी इसी तरीके का लगाएंगे। तीसरे कोट में हम मज़ीद जो कलर है ये डालेंगे, साथ तकरीबन 20 से 25% हार्डनर डालेंगे, और उसमें जो है तकरीबन 30% क्लियर कोट डालेंगे फॉर एक्स्ट्रा शाइन के लिए। और इस तरीके से जो है ना गाड़ी के ऊपर पेंट लगाया जाएगा, और गाड़ी का जो पेंट का प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो आगे चल के आपको वीडियो में दिखाते हैं कि गाड़ी को पेंट किस तरीके से डाला जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कलर तैयार किया, और कलर को हमने डाला गन के अंदर, हमने कलर डाला, और कलर डालने के बाद गन के अंदर जो कलर डाला इसको हम कर देंगे बंद। तो गन के अंदर कलर डाल चुके हैं, और उसके बाद गन को रखते हैं साइड के ऊपर, और इस गाड़ी की जो बॉडी है इसके ऊपर लगाएंगे हाथ, क्योंकि कपड़े का जो भुर है वो इसके ऊपर होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा भुर जो है वो फिर पेंट को डिस्टर्ब करता है। तो इस तरीके से इसके ऊपर हाथ लगाएंगे। हाथ लगाने के पूरी गाड़ी के ऊपर इस तरीके से हाथ लगाया जाएगा। तो सबसे पहले अब इसमें हम क्या करेंगे, जो अस्तर वाली जगहें हैं ना, जहाँ जहाँ पर अस्तर है, आपने देखा गाड़ी में जहाँ जहाँ पर अस्तर है, पहले उन जगहों को
कवर करेंगे, उन जगहों को कवर करने के बाद इसको जो है कंप्लीट करेंगे। तो देखें इस वीडियो में, जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं दो कोट, और ये फाइनल कोट है इसका। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लेकर, ये तकरीबन 20% तक इसमें लेकर डालेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हार्डनर मज़ीद इसमें डालेंगे तकरीबन 20 से 25%, ठीक है। और उसके अलावा इसमें डालेंगे थिनर, से मज़ीद डाल के इसको करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद दोबारा फिर से नया कोट शुरू हो जाएगा।
फाइनली हमारी गाड़ी पेंट हो चुकी है और एक वॉक राउंड आपको देता हूँ, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि क्या इसकी अगली वीडियो जो टोटल इसके ऊपर टाइम खर्चा और उसके अलावा जो है किस किस प्रोसेस से ये गुजरी है सारी तफसील आपको बताऊं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं इसकी अगली वीडियो अपलोड करूँ। आए आपको एक वॉक राउंड देते हैं गाड़ी का। तो जनाब ये है हमारी टोयोटा करोला 2010 मॉडल जो कि पेंट की जा चुकी है, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसकी जो भी डिटेल होगी अगर आप लोगों ने कमेंट में बताया तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी अगली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और इसकी तमाम तर जो डिटेल हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। और साथ आपने ये भी बताना है कि गाड़ी का पेंट मतलब किस तरीके से मतलब आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका प्यारा भाई वकार खान और आपका अपना यूट्यूब चैनल वकार खान पेंट वर्कशॉप। अल्लाह निगहबान।